नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंस्टा फ्रेंड नाबालिग से किया बलात्कार, थैली गोदाम में लगी आग, वोट देते समय फोटो को किया वायरल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंस्टाग्राम फ्रेंड नाबालिग ने किया बलात्कार। नागपुर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके नाबालिग ने पौने 3 साल एक युवती का शोषण कर लिया। यह घटना हिंगना थाने के तहत हुई। हिंगना पुलिस नाबालिग के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। पीड़ित 18 वर्षीय युवती की आरोपी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। वह घूमने का झांसा देकर युवती को साथ ले जाने लगा। युवती की शिकायत के अनुसार 20 जुलाई 2021 को नाबालिग उसे हिंगना के वेना बांध पर ले गया था। वहां उसने नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद से उसने यह सिलसिला कायम रखा। फरवरी माह में युवती गर्भवती हो गई। इसे देखते ही परिजनों को संदेश हुआ। परिजनों ने उसे उपचार के लिए मेडिकल ले गए। वहां युवती ने गर्भवती होने का पता चला। 25 अप्रैल को युवती ने हिंगना थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थैली गोदाम में लगी आग। नागपुर के स्ट्रैंडल एम्फ्योरेसेंस अम्बेडकर चौक स्थित एक थैली गोदाम में आग लग गई। यहाँ प्लाट नंबर 48 स्थित पुरानी इमारत में राजेंद्र आहूजा की थैली का गोदाम है। कुछ ही देर में लाखों रुपए की थैलियां जलकर खाक हो गई। यह घटना गुरुवार 25 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे हुई। यह आग की घटना इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से चलते हुए हुई है। जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस आग के चलते करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट देते हुए फोटो को किया वायरल। वर्धा में संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामदास तटेस्कर को वोट देने का फोटो वायरल करने से मामले में पुलगांव प्रशासन तलोनकरे एवं उदय वर्मा पर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता में शामिल चुनाव अधिकारी प्रमोद चौधरी व उनकी टीम बुधवार पर आचार संहिता का पालन कर होने में मजेदार देवली विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थी। इस दौरान शुक्रवार सुबह 10 बजे आचार संहिता कक्ष देवली से सूचना मिलने की पुलगावा में सोशल मीडिया ग्रुप में किसी व्यक्ति ने बूथ पर EVS पर बटन दबाते हुए फोटो साझा किया। सूचना के आधार पर जांच में पता चला कि जोन नंबर क्रमांक 16 के बूथ क्रमांक 87 के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्राथमिक शाला क्रमांक 3 में मतदान के समय का फोटो पुलगांव भाजपा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप का प्रशांत लोनकरे नामक युवक ने डाला, जिसके आधार पर प्रशांत लोनकरे पर मामला दर्ज किया गया। इसी प्रकार उदय वर्मा ने ISTI बूथ केंद्र पर मतदान के समय का फोटो वायरल किया। उदय वर्मा ने चुनाव अधिकारियों के समक्ष कबूल किया है कि उन्होंने यही फोटो वायरल किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक स्टार्टिंग के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।